हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हम वो पत्थर थे जो हर दौर में भारी निकले। कत्ल से 2 दिन कबल पार्किंग एरिया में इमारत के बेसमेंट में बना था और दोपहर के बावजूद अंधेर पड़ा था। गो के मधम सफ़ेद बत्तियां रोशन थी मगर अजब होलना किसी छाई थी। ऐसे में एक अधेड़ उम्र आदमी सामने से चल कर आता दिखाई दे रहा था। उसके बूट्स की धमक सन्नाटे को चीर रही थी। तेज तेज कदम उठाता वो कतार में खड़ी गाड़ियों तक आया और जेब से चाबी निकालते एक सफ़ेद कार के करीब रुका। तभी उसके पीछे आहट सी हुई, कदमों की चाप जैसे कोई किसी स्टोन की ओट से निकला हो। रिमोट का बटन दबाकर कार को अनलॉक करते उसने मुड़ के यूं ही देखा तो ठहर गया। स्टोन के साथ खड़ा नौजवान जेबों में हाथ डाले फुर्सत से उसे देख रहा था। मधम रोशनी के मिले जुले माहौल के बायस उधेड़ उम्र आदमी ने आंखें सिकोड़ के देखा। वो चेहरा शनासा लगता था मगर कौन? जब मैं टीन एज में था तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी। इसके मुताबिक बच्चा अपनी पैदाइश से लेकर पिछले 6 माह तक ब्लैक एंड वाइट देखता है, उसे रंग नज़र नहीं आते। बाय द वे, मैं सादी यूसुफ हूँ और आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी में मौजूद वो ऑपरेटर हैं जिनको कल सुबह अदालत समन जारी करेगी। तो मैं कह रहा था कि किस्सा सुनाते रुक के सीने पे हाथ रखे उसने अपना तारुफ करवा दिया और फिर बात जारी रखी। चंद साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक इंसान पहले 6 माह तक ब्लैक एंड वाइट देखता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो हम एक उम्र तक ब्लैक एंड वाइट ही देखते रहते हैं। बचपन में और फिर टीन एज में हर इंसान ब्लैक या वाइट लगता है हमें। बैड गाइस और गुड गाइस, नेक लोग, गुनाहगार लोग। हम अगर किसी एक्टर, स्कॉलर या सियासतदान से मोहब्बत करने लगें तो उसको ऐसा सफ़ेद मुजस्मा बना देते हैं कि उसमें खामी नज़र नहीं आती, और जब खामी देख लें तो उसे देखना भी छोड़ देते हैं। लेकिन मसूद साहब, जब हम में से अक्सर लोग मेरी उम्र को पहुंचते हैं तो जान पाते हैं कि यहाँ ना कोई सफ़ेद है ना स्याह, सब सुरमई है। कोई गहरा सुरमई, कोई हल्का सुरमई, कोई मटियाला, कोई कम गदला, मगर बेदाग कोई नहीं है। मसूद उधेड़ बन में खड़ा यकटक उसे देख रहा था। चाबी हाथ में थी और नज़रें उस पर टिकी थी। साथ ही बोलते बोलते करीब आने लगा। कदमों की चाप ने फिर से खामोशी को चीरा। लोग कहते हैं हमारी चॉइसेस हमें डिफाइन करती है। वो इंतखाब जो हम करते हैं वो ये फैसला करते हैं कि हम कौन हैं, हम हल्के सुरमई हैं या गहरे सुरमई। इसका फैसला वो काम करते हैं जो हमने किए होते हैं मगर नहीं। वो अब उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ था और नफ़ी में सर हिला के उसकी आंखों में झांक के कह रहा था, मैंने 2 इंसानों को अपने हाथ से कत्ल किया है। मेरे मदे मुकाबिल जो शख्स है उसने मेरे ख़ानदान के 2 इंसानों को कत्ल करवाया है। ये वो इंतखाब हैं जो हम दोनों ने किए। क्या ये हमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं? संजीदगी से टहर टहर के वो बोलता रुका, नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे अच्छे या बुरे होने का तौयन हमारे चुने के रास्ते नहीं करते, बल्कि वो रास्ते करते हैं जो हमने नहीं चुने होते। वो फैसले, वो इंतखाब करते हैं जो हमने मयस्सर होने के बावजूद नहीं लिए होते। हाशिम कारदार ने 2 इंसानों को कत्ल करने का इंतखाब किया मगर उसके पास दूसरे रास्ते भी थे। नैब में केस लड़ता और ख़ुद को बरी करवा लेता, या फिर अगर फैसला अपने खिलाफ आता तो पली बारगेन कर लेता, पैसे वापस करता और रिहाई मिल जाती, या फिर वारिस गाजी पे चंद इल्ज़ामात लगवा के उसको जॉब से निकलवा देता, या फिर दहशत गर्दों के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाता और उसको फौज खुद प्रोटेक्शन देती। ये वो रास्ते थे जो उसने नहीं चुने। उसने कत्ल का रास्ता चुना मगर जब मैंने 2 कत्ल किए तो मेरे पास दूसरा रास्ता यही था कि खुद को मरने दूँ। मैंने अपनी जान बचाई, सर्वाइवल को चुना, उन दोनों आदमियों को कत्ल कर देने को चुना बनिस्बत हलाकत के दूसरे रास्ते के। आप मुझे और हाशिम को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते क्योंकि उसके पास ऑप्शंस थे, मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ आपको कुछ कहने आया हूँ। आदमी ने शाने उचकाए जैसे ना समझी से पूछा हो के क्या? उसकी चाबी अभी तक हाथ में थी और हाथ बीच हवा के रुका हुआ था। ऐन मुमकिन है कि अगली पेशी पे आपको पेश होना हो, दरमियान में जितने दिन आएंगे उनमें हाशिम कारदार आपको अप्रोच करके आपको ख़रीदना चाहेगा। वो आपको बहुत से रास्ते दिखाएगा, चुनाव के लिए बहुत से इंतखाब। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला करेंगे और जो फैसला आप नहीं करेंगे वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके किरदार का तौयन करेगा।
आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, आप कैसे मुसलमान रहना चाहते हैं और आप कैसे पाकिस्तानी बनकर दिखाना चाहते हैं। इस सब का फ़ैसला आपका वो इंतखाब करेगा जो आप नहीं लेंगे। सारी ज़िंदगी मसूद साहब वो आपको हॉन्ट करेगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कोर्ट में आइएगा तो सच बोलिएगा। अगर आज झूठ बोल दिया ना तो सारी ज़िंदगी आप ख़ुद भी अपने किसी सच पे एतबार नहीं कर सकेंगे। झूठे लोगों की एक बहुत बड़ी सज़ा ये होती है कि उनको अपनी बातों और दावों पे ख़ुद भी यकीन नहीं आता, कह के भूल जाते हैं और भूल के कह जाते हैं। फिर वो खामोश हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। उस आदमी ने सर झटका और अपनी कार की तरफ मुड़ गया। दरवाजे को हैंडल से बाहर खींचते उसने फिर से मुड़ के देखा। पार्किंग एरिया सुनसान पड़ा था, स्टोन नीम अंधेर नजर आ रहे थे, अब वहाँ कोई नहीं था। कभी मंजर बदलने पर भी किस्सा चल नहीं पाता, कहानी ख़त्म हुई है कभी अंजाम से पहले। कचहरी की राहदारी में वही दांते की जहन्नुम जैसा रश, शोर और अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में वो कमरा अदालत के दरवाजे के बाहर खड़ा सादी शहजाद को समझाने के लिए कदरे ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी अम्मी को सपोर्ट किया और वो गवाही दे रही हैं। अंदाज में तशक्कर था, बेसाखी था। में खड़ा लड़का सर को बार बार हिलाते हुए कहने लगा, सही सही, अब अंदर चलते हैं। सादी ने उसको इशारा किया और फिर यके बाद दिखरे वह दोनों आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुए। वहाँ किसी क्लासरूम की तरह की खामोशी छाई थी। जज साहब खामोशी से कटहरे में खड़ी खातून को देख रहे थे जिसने सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था और वह सामने खड़ी जुमर के सवालों का जवाब दे रही थी। उसके नकुश अपाहज लड़के की मानित बंगाली से थे और रंगत गहरी सांवली। सादी उसको लिए पिछली कुर्सी पे आ बैठा। आज बारिश नहीं आया था अलबत्ता। सादी ने गर्दन मोड़ के देखा, करीब में चश्मे वाला आदमी खामोशी से बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। उसको देखकर अजीब सी उलझन होती थी। मिसेज असमत, आपको पूरा यकीन है कि आपने ऑपरेटर मसूद आलिम को यह कहते सुना था, सुमर पूछ रही थी। जी, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यही अल्फाज सुने थे जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब आप लोग सीसीटीवी फुटेज देखने आए थे तो आपके जाने के बाद वो अपने एक कोलीग से कह रहे थे कि फिक्र की कोई बात नहीं, उन्होंने कारदास के लड़के की फुटेज हैंडल कर ली थी पहले ही। और हैंडल करने से उनकी मुराद डिलीट करना था? ऑब्जेक्शन, गवाह से राय मांगी जा रही है, वो पीछे से उकता के बोला था। सुमर इम्प्रेशन बना चुकी थी, सो मैं सवाल वापस लेती हूँ, कहकर वापस मुड़ गई। हाशिम फौरन से तासरात बदल के मुस्कुराता हुआ उठा, कोट का बटन बंद किया और कटहरे के सामने आया। मिसिज असमत, मुस्कुरा के उसको मुखातिब किया, क्या आपने मसूद आलम साहब को मुझसे या मेरे ख़ानदान के किसी फर्द से बात करते सुना? नहीं, वो संजीदगी से बोली। क्या आपने उनको नौशीरवा करदार का नाम लेते सुना? नहीं, मगर उन्होंने कारदार्स का लड़का कहा था। और हाशिम ने जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला और उसके सामने किया, इस पे गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद कारदार के दस्तखत मौजूद हैं। क्या आपको कभी ये ख्याल आया कि हम इस मुल्क के वाहिद कारदार नहीं हैं? मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने ये बात उनके यानी जुमर की तरफ इशारा किया, इनके जाने के बाद की थी। और इस बात को कितना अर्सा गुजर चुका है? नोट वापस जेब में रखते हुए बोला, 3 माह शायद। और इन 3 माह में आपने कभी मसूद साहब की शिकायत ऊपर की? मैंने की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऑफ कोर्स आपने की थी, वो मुड़ा और अपनी मेज से चंद कागज़ उठाए और जब वापस इस्मत बीबी की तरफ घूमा तो लबों पे मुस्कुराहट थी। और इससे पहले आप डिपार्टमेंट में 3 मुख्तलिफ लोगों की शिकायत कर चुकी हैं और उनमें से एक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, नाम याद है आपको उनका? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिसिज असमत के रिकॉर्ड का गवाही से क्या ताल्लुक है? ओवरऑल जवाब दीजिए। जज साहब ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। तारिक महमूद, इस्मत की आवाज़ पस थी। जी बिल्कुल, तारिक महमूद साहब जिनके खिलाफ आपने हरासमेंट एट वर्क प्लेस की शिकायत की थी और उनको मुअत्तल कर दिया गया था। और ओ वाओ, और उनकी सीट का चार्ज आप संभालती हैं ना आजकल? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जुमर बेजारी से खड़ी हुई, कारदार साहब गवाह की किरदार कुशी कर रहे हैं। ओवर रोल्ड मिसिज जुमर, अदालत को इनका जवाब सुनने दीजिए। जी बोलिए, जज साहब ने खुश्क लहजे में खातून गवाह को इशारा किया। जी, उनका चार्ज मैं संभालती हूँ, मगर उन्होंने वाकई हरासमेंट की थी और दूसरे कोलीग्स गवाह हैं। मगर हाशिम उसके साथ ही जज साहब की तरफ रुक करके कहने लगा, योर ऑनर, ये सिर्फ एक
हैरिसे, यानी सुनी सुनाई बात है। एक ऐसी खातून जिनका काम ही दूसरे कोलीग्स की टांग खींचना है, उनके बयान पर अदालत एयरपोर्ट सिक्योरिटी के कंट्रोल रूम ऑपरेटर को समन नहीं कर सकती। खातून उनकी जगह लेने के लिए झूठ बोल रही हैं। योर ऑनर, अगर ये हैरिसी है तो इसको साबित करने के लिए हमें उस ऑफिसर को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, वरना कारदार साहब का ये इल्ज़ाम हम कैसे रद्द कर सकेंगे। बस बस, उन दोनों ने एक साथ बोल उठने के बायस जज साहब ने हाथ उठा के उनको खामोश रहने का कहा, फिर हाशिम को देखा। बात तो उनकी सुननी पड़ेगी, मगर उन्होंने पोटेज के साथ टेम्परिंग नहीं की तो उनको कोर्ट में आकर अपनी सफाई देनी पड़ेगी। इसलिए अगली पेशी पे वो अब हुक्म जारी कर रहे थे। कटहरे में खड़ी औरत मकूम नजर आती थी और उसका अपाहज बेटा हैरान परेशान सा शादी को देख रहा था। मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती कभी, वो किसी जॉब लेने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही, सबको पता है। सादी ने उदासी से उसके घुटने पे हाथ रख के तसल्ली दी। मगर ये ज्यादती है, ये इंसाफ की अदालतें नहीं है मेरे दोस्त, ये कानून की अदालतें हैं। सर झटक के वो करीब बैठे चश्मे वाले आदमी को देखने लगा जो उसे ही देख रहा था, मगर फौरन से रुख फेर गया और सर झुका के अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा। सादी ने घड़ी देखी और सोचा कि अगर पारिस यहाँ होता तो क्या कहता, मगर वो था कहाँ। मैं अपनी जफाओं पे नादिम नहीं होता, मैं अपनी वफाओं की तजारत नहीं करता। हारून उबैद की रहाइश का आहनी ऊंचा गेट उसकी कार के नज़दीक आते ही मेकानिकी अंदाज में स्लाइड होके खुलने लगा। स्टेयरिंग पे हाथ रखे फारिस चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा। उसके चेहरे पे मामूली सी फिक्रमंदी थी और माथे पे बल, आँखें पुरसोच अंदाज में सुकड़ी हुई थी। गेट पूरा खुल गया तो उसने कार आगे बढ़ा दी। चंद मिनट बाद वो लॉन उबूर करके आबदार के क्लिनिक की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। जीन्स पे सुरमई भी गले की शर्ट पहने आस्तीन जरा मोड़ रखी थी। क्लिनिक के अंदर वो बेचैनी से टहल रही थी जब दरवाज़ा खुला। आबी फौरन घूमी, आंखों में चमक दराई। शुक्र आप आ गए, क्या हुआ है, आपने इतनी एमरजेंसी में बुलाया, मैं कोर्ट जा रहा था, वो हैरत भरी फिक्रमंदी से कहता आगे आया और उसकी मेज़ के सामने वाली कुर्सी खींची, साथ ही उसको बैठने का इशारा किया। वो बदवक्त मुकाबिल काउच पे आ टिकी, दोनों के दरमियान चंद फुट का खला था। अब बताइए क्यों परेशान है, वो नरमी और हमदर्दी से पूछ रहा था। अबदार की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत खौफजदा हूँ, मिसिस कारदार ने कुछ कहा। आबी ने नफी में गर्दन हिलाई। फिर हाशिम मिला था, उससे मैंने पूछा कि मेरी और आपकी तस्वीर भेजकर उसने साथ ये क्यों लिखा कि वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता। फारिस ज़रा चौंकना होके बैठा। फिर उसने कहा कि फारिस तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता और ये कि वो मुझे आपकी औरतों में शुमार करता है, वो रवानी से झूठ बोल रही थी। और क्या कहा उसने, हुनैन या जुमर का जिक्र किया, वो बेचैन हो गया था। नहीं, उनका नहीं, वो तेज़ी से बोली, आपके ख़ानदान वाले इतने मशहूर हो चुके हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाएगा तो पहला शक उसी पे जाएगा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। मगर मैं, उसका गला रुंधा। फारिस ने गहरी सांस दी और पीछे को हुआ, वो कुछ नहीं करेगा। अरे वाह, आबी की गीली आंखों में शिकवा दराया, आपने अपनी औरतों की खैरियत जान ली तो कैसे रिलैक्स हो गए, और मेरा क्या जिसे आपने इस सब में धकेल दिया। याद रखिए, इस सब में मैं आपकी वजह से आई हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, उसके चेहरे पे माजरत खुआना सा तासर उभरा। मैं इतने दिन से आपकी हिफाजत कर रहा हूँ ना, आगे भी करता रहूँगा, आपके गार्ड्स के साथ इन टच हूँ, दिन में कई दफ़ा उनसे आपकी खैरियत पूछता हूँ, हर 2 घंटे बाद आपको फ़ोन करता हूँ, आपकी कॉलोनी के CCTV की लाइव फीड चेक करता रहता हूँ, आपसे कई किलोमीटर के फासले पे रहता हूँ, इतनी दूर से जितना कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ ना, अगर आप दूर ना होते तो ये ज़्यादा आसान होता है ना, वो उसकी आंखों में देख के बोली थी। वो हल्का सा चौंका, सॉरी, ज़रूरी तो नहीं है कि आप दूर हैं, आप करीबी तो हो सकते हैं। फारिस चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर मोबाइल पे वक्त देखा, मुझे चलना चाहिए, आवाज़ में खुशकी सी थी मगर वो उस पे खुदी के आलम में उसे तकते हुए बोली, अगर आप मुझसे शादी कर लें तो वो मुझे नुकसान नहीं दे सकेगा। कमरे में एकदम अजीब सी खामोशी छा गई। फारिस गाजी की पेशानी की रगें उभर आई, आंखों में बरहमी दराई और एक गहरी सांस लेकर वो उठ खड़ा हुआ। मुझे चलना चाहिए, वो तेज़ी से उठी, असली वाली शादी नहीं, सिर्फ पेपर मैरिज, सिर्फ इस ट्रायल तक, ताकि वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए, जब उसे पता चलेगा कि मैं आपकी बीबी हूँ तो वो मुझे कभी कुछ नहीं कह सकेगा, वो आपसे डरता है, आप
आप मुझसे शादी कर लें सच में, वरना वो और उसकी माँ मुझे मार देंगे। फारिस ने आंखें मीची, उंगली और अंगूठे से बंद आंखों को मसता और फिर नफी में सर हिलाया, फिर आंखें खोल के उसे देखा। 4 साल की जेल, 1 साल से मदे मुकाबिल मसाइल, और मुझे लगता था आबदार साहिबा कि मैं बहुत घाघ हो चुका हूँ, अब किसी की बातों में नहीं आ सकता, मगर आपने साबित कर दिया कि मैं भी एक इंसान ही हूँ। नफी में अफसोस से सर हिलाते हुए वो कह रहा था, मुझे जिस औरत से मोहब्बत है और जो मेरी बीवी है वो ठीक कहती थी, आप नहीं बदली, आपने सिर्फ अपनी तकनीक बदली है। क्या मेरी हिफाजत के लिए आप मुझसे एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते? मैं ये सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए कह रही हूँ। आंसू आबी की आंखों से टूट टूट कर गिरने लगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी हिफाजत की ज़रूरत है। आपने ठीक कहा था कि आपको बुलाने के तरीके आते हैं, मगर अब मैं नहीं आऊँगा, बहुत हो गया, बरहमी से कहता वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। वो तेज़ी से उसके पीछे आई। और मुझे जिस दलदल में आपने धकेल दिया उसका क्या? आपने सब कुछ अपनी मर्जी से किया था, वो खुश्क लहजे में कहकर आगे बढ़ रहा था। आंखों में बेजारी और बरहमी थी, वो तेज़ तेज़ उसके पीछे आ रही थी, शायद रो भी रही थी। मेरे एहसान है आपके ऊपर, और मैं कब से उनकी कीमत चुका रहा हूँ? जुमर से मेरा रिलेशन बार बार बदजनी की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि मैं उन एहसानों की कीमत उतार रहा हूँ, मगर अब बहुत हो चुका। गर्दन मोड़ के गुस्से से उसको देखा, अब मैं मज़ीद आपके इन गेम्स का हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने ऐसा क्या कहा है जो आप गुस्सा हो रहे हैं? सिर्फ इतना ही तो कहा है कि मुझे सहारा दें, मुझसे शादी कर लें, सिर्फ मेरी हिफाजत। वो जो अपनी कार का दरवाज़ा खोल रहा था, एकदम आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से उसकी तरफ घूमा। क्या आप में थोड़ी सी भी इज्जत नफ्स है? ज़रा सी भी ग्रेस? मामूली सी सेल्फ इस्टीम? क्या अपनी ख्वाहिशात के पीछे खुद को इतना गिराना ठीक होता है? यू नो बट मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि जो औरत मेरी ज़िंदगी में है वो इज़्ज़त और वक़ार का पेकर है, कभी किसी के सामने, हत्ता कि मेरे सामने भी खुद को नहीं गिराएगी, और आज मुझे उस पर ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है, उसने गुस्से से कहकर दरवाज़ा खोला। और अगर वो ना रहे? वो जो अंदर बैठ रहा था उसके अल्फाज पे लम्हे को ठहरा, फिर सर झटक के इग्निशन में चाबी घुसाने लगा। दरवाज़ा नहीं बंद कर सकता था, उस पे आबी के हाथ थे, वो आंखों में दुख गुस्सा नफरत लिए उसे देख रही थी। अगर वो मर जाए क्या तब आप देख पाएंगे किसी दूसरे की तरफ? क्या तब एहसास कर सकेंगे कौन आपके लिए खुद को कितना गिरा चुका है? फारिस ने नज़रअंदाज करते हुए कार स्टार्ट की और दरवाज़ा ज़ोर से खींच के बंद किया। अब मुझे कॉल मत कीजिएगा, दृष्टि से तंबी करके रिवर्स करने लगा। आपने मेरा दिल तोड़ा है फारिस गाजी, मैं आपके लिए इतना गिरी, इतना छुकी, और आप इतने संग दिल हैं। टूटे दिल की बदवा से आपको डर नहीं लगता ना? तो फिर ठीक है, उसने हथेली की पुछ से आँखें रगड़ी और दुख से उसे कार पीछे करते देखा। खुदा करे वो मर जाए, आपकी आंखों के सामने मर जाए, खुदा करे आप उसे मरते हुए टूटे बिखरे हुए देखें अपनी आंखों के सामने, फिर आपको मेरे दिल के कर्ब का अंदाज़ा होगा। उसे दूर जाते देखकर वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, और वो जितनी तेज़ी से हो सकता था कार वहां से निकाल रहा था। उसकी चीखों की आवाज़ें यहां तक सुनाई दे रही थी। जिस लम्हे कार बाहर सड़क पर आई, उसने रेस को पूरी कुव्वत से दबाया और कार को सड़क पर भगाता आगे ले गया। अरसे बाद उसे लगा था कि वो आबदार के एहसानों की जंजीर से आज़ाद हो गया है, हल्का और आज़ाद। खजाना ज़रो गोहर पे खाक डाल के रख, हम अहले महरो मोहब्बतें दिल निकाल के रख। मोरचाल में उस रात 10 बजे के ड्रामे का वक्त ख़त्म और उसामा की क्लास का वक्त शुरू हो चुका था। लाउंज वीरान था, बत्तियां बुझी हुई थी, मगर नुदरत का कमरा रोशन था। अंदर वो बेड पे बैठी खुबकी से उसामा को लताड़ रही थी, जो बरहमी से बमुश्किल जब्त किए सुन रहा था। हुनैन तमाशाई की तरह बारी बारी दोनों के चेहरे देखती थी। इस उम्र में शादी मगरिब के बाद घर से बाई नहीं रहा, इशा पे नमाज पढ़ने जाता और सीधा घर आता, फिर भी मैं डांटती, मजाल है जो उसने बुरा माना हो। हमेशा सर झुकाया और उस शहजादे को कुछ कह दो तो मूड ऑफ हो जाता है। अम्मी आप मुझ पे हर वक्त शक क्यों करती रहती हैं? वो बिगड़ के बोला। शाहजेब का घर 7 वाली स्ट्रीट में है, मैं उससे नोट्स लेने ही गया था नमाज के बाद, मुझसे पूछते हुए मुंह टूट जाता था। हाँ, मुझसे क्यों नहीं पूछा? नहीं नहीं, आपको लगता है मैं नशा करने लग गया हूँ, या शायद सड़क पर खड़े होकर लड़कियाँ ताड़ता हूँ, या लोगों से मोबाइल छीनता हूँ। देखो देखो इसकी ज़ुबान, माँ के आके बड़ा बोलना आ गया है, सब जानती हूँ मैं, ये जो इसके दोस्त हैं ना यही सिखाते हैं इसको, हर वक्त मेरे दोस्तों के पीछे पड़ी रहा करें आपस। वो सुर्ख चेहरा और आंखों में आंसू लिए तेज़ी से बाहर निकला और दरवाज़ा ठा मारा। अम्मी आप इसके दोस्तों पे मत आया करें।
हन्ना ने समझाने की कोशिश की। नुदरत ने उतनी उकताहट से उसे देखा। ज़्यादा पक पक ना करो, मुझे पता है तुम बेगैरतों को कैसे पालना है। अब जाओ, सर ना खाओ मेरा। बाप होता ना सर पे तो मैं देखती कैसी जुबानें चलती हैं तुम लोगों की। माँ को देखकर शेर हो जाते हो। चलें जी, हो गया मेरो ड्रामा शुरू। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल के ऊपर आई तो सैम के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो मुंह पे तकिया रख के लेटा हुआ था। वो गहरी सांस लेकर अंदर आई और उसके सर पर आन खड़ी हुई। अम्मी तुम पे शक नहीं करती। जाओ मोटी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो रुंधी आवाज़ में तकिए के नीचे से बोला था। अम्मी सिर्फ तुम्हारी हिफाजत चाहती हैं, सब माएँ चाहती हैं। अगर माँ बाप बच्चों के आने जाने के औकात पे सख्ती करते हैं, पूछ गिछ करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उन पे शक करते हैं या उनको उनके दोस्तों से कोई ख़तरा है। वो सिर्फ एक्सीडेंट, दहशतगर्दी, चोरी चकारी की वारदातों से डरते हैं, जिस्मानी नुकसान से डरते हैं। अगर शक करते हुए तो पूछ गिछ ना करते, खामोश हो जाते या दूसरी इंतहा यानी मारपीट पे आ जाते। ये पूछ गिछ ना हो तो हमारी माएँ माएँ ना लगें, नौकरानियाँ लगें। खाना, कपड़े, आराम, वो सब तो नौकरानी भी देती है। तुम टीन एजर्स को खुद फैसला करना है कि तुम माँ को नौकरानी की जगह देना चाहते हो या माँ की। सैम ने तकिया हटा के गुलाबी आंखों से उसे देखा। हाँ, तुम्हें जैसे बड़ा पता है, तुम्हारे कौन से 10 बच्चे हैं जो तुम्हें पता हो। और वो रुका और फिर तिनक के बोला, तुम्हारा तो कोई हीरो भी नहीं है, उसामा यूसुफ। वो कमरे पे दोनों हाथ रख के शोला बार नज़रों से उसे देख के बोली, मैं खुद किसी हीरो से कम हूँ क्या। उसामा ने कुछ बुड़बुड़ा के तकिया मुँह पे रख लिया और करवट बदल ली। हन्ना आके पड़ी, अलमारी धीरे से खोली, अंदर से कुछ निकाल के कमर के पीछे छुपाया और ऊंचा सा बोली, मुझे ऐसे भी बहुत कुछ पता है, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। पीछे हटती की और दरवाजे तक पहुंच के रुकी, और चॉकलेट भी। दरवाज़ा खोला और चॉकलेट का पैकेट पकड़े झपाक से बाहर गायब हो गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सैम का जोकर ठास से आकर उस पे आके लगा। हन्ना अब हंसते हुए अपने कमरे में जा रही थी, जहाँ खुले लैपटॉप स्क्रीन ढेरों स्टेंसिल्स के आइडियाज़ दिए उसका इंतज़ार कर रही थी। होम डेकोर नशा आवर चीज़ थी, मगर अच्छी चीज़ थी। निचली मंजिल पे आओ तो सुमर के कमरे की बत्ती चली थी। वो टेबल पे तयशुदा जायनमाज रखकर अब दुपट्टा खोल रही थी। फिर एक नज़र सोफे पे लंबे लेटे फारिस को देखा, जो मुस्कुरा के उसे देख रहा था। दिन कैसा गुजरा, सुमर ने पूछा तो उसके चेहरे पे मज़ीद तमानियत बिखर गई, आज़ादी और इत्मीनान। बस आज तुम्हारी याद आती रही, तुम्हारी कदर होती रही, तुमसे मोहब्बत बढ़ती गई। पैसे चाहिए, सुमर ने मुड़के मशकूक नज़रों से उसे देखा, मगर उसका मूड नहीं बदला। बहुत अच्छी लग रही हो आज। शुक्रिया, वो अब आईने के सामने खड़ी बाल जुड़े में लपेट रही थी। तुम कितने दिन से डिनर का कह रही थी ना, अगर आज चाहो तो। बल्कि नहीं, फारिस ने नफी में सर हिलाया, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हैं, सुमर ने पोनी में बाल मुकीद करके हैरत से आईने को देखा, जिसमें उसका अक्स नज़र आ रहा था। तबीयत ठीक है तुम्हारी। वो सोफे से उठा और उसके करीब आ खड़ा हुआ, फिर बहुत अपनाइयत से उसे देख के बोला, कोई ख्वाहिश करो, कुछ मांगो, कोई डिमांड सामने रखो, जो कहोगे पूरा करूँगा। डायमंड्स, डिनर, गिफ्ट, क्या चाहिए तुम्हें। आतन ड्रेसर के किनारे बैठा और मोहब्बत से उसके दोनों हाथ थाम लिए। सुमर ने पहले उसे देखा, फिर अपने हाथों को, फिर दोबारा उसके चेहरे को देखा। ऐसे पूछ रहे हो जैसे मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वक्त ज़ाया ना करो, कुछ मांगो। अच्छा, जो कहूँगी करोगे क्या, वो मुस्कुरा के बोली। फारिस ने उसकी आंखों पे नज़रें जमाई, इस बात में सर हिलाया, हाँ तो फिर, वो मुस्कुरा के गोया हुई, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शोहर मेरे लिए, मेरे साथ मिलकर बर्तन धोए। वो चंद लम्हे तो समझ नहीं आया। सॉरी, सदाकत और हसीना गाँव गए हैं छुट्टी पे, उसने हाथ छुड़ाए और आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगी। और हुनैन को कोई नया होम डेकोर आइडिया मिल गया है और उसको किचन की फिक्र नहीं है, सो मैं सोच रही थी किचन साफ कर लूँ ताकि भाभी को ना करना पड़े, मगर भाभी का भाई चूंकि ताबुन करने वाला और हमदर्द है तो मेरा आधा बोझ तो कम हुआ। और भाभी के हमदर्द भाई ने भनुइयाँ इकट्ठी करके खुबकी से उसे घूरा, तुम्हारे ख्याल में मैं इतना जन मुरीद और बेवकार बेगैरत मर्द हूँ जो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ। ओ खुदाया, किचन में बर्तन धुलवाऊँगा। हाँ, उसने सादगी से उसे देखते इस बात में सर हिलाया था। करीबन 5-10 मिनट बाद वो किचन सिंक के आगे खड़ा था, आस्तीन चढ़े हुए थे, नल खुला था और वो झाग भरे स्पंज को एक प्लेट पे रगड़ रहा था। वैसे इतना बुरा काम नहीं है ये, नॉर्मल से अंदाज में साथ खड़ी स्लेब साफ करती जुमर से बोला तो उसने पलट के उसे देखा।
जैसे कि तुमने तो कभी हॉस्टल्स और बेचलर फ्लैट्स में बर्तन धोए ही नहीं होंगे। कभी नहीं, मुझे हमेशा खूबसूरत नौकरानियाँ मिल जाती थीं। फारिस ने सर झुकाए प्लेट पे पानी गिराते हुए कंधे उचकाए थे। ठग से सुमन ने प्लेट्स का अंबार उसके सामने धरा। फारिस ने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो आंखों में खुफगी लिए उसे घूर रही थी। वो गहरी सांस भर के रह गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारे मिजाज में इतनी सख्ती ना होती तो वाकई कंट्रोल, ठंडे और शाइस्ता मिजाज की होती तो कितना अच्छा होता। मैं कहाँ सख्त हूँ, हस्बे तवक्को वो बुरा मानती थी। अब वो भी उसके साथ खड़ी अपना स्पंज भिगो रही थी। हर वक्त गुस्सा करती रहती हो, हर वक्त काम करती रहती हो, बेचारे शोहर का तो ख्याल ही नहीं तुम्हें। अब इस वक्त भी तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांग सकती थी, फूल या डिनर वगैरह भी, मगर नहीं, काम ख़त्म करने की पड़ी होती है तुम्हें। हीरे जवाहरात के लिए सारी उम्र पड़ी है, क्योंकि थैंक्स टू हाशिम मैं मरने नहीं लगी, इसलिए भी खामोशी से बर्तन धो। फारिस ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। वो चेहरा झुकाए, आस्तीन चढ़ाए मगन सी एक डोंगे को साफ करने में लगी थी। बाल जूड़े में मुकीत थी और दो घुंघरियाली लिटें चेहरे को छू रही थीं। उसके मुसलसल देखने पर सुमर ने पलकें उठा के भूरी आंखों से उसे देखा। क्या देख रहे हो? यही कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में हो। नशा तो नहीं करने लगे? उसे अब वाकई फिक्र होने लगी थी। वो हल्का सा हंस दिया। यूं ही बस, पता है जब मैं जेल से आया था तो सारी दुनिया से बेजार था। बस यही मकसद था ज़िंदगी में कि उन सब गुनाहगारों को तड़पा तड़पा के मारूं, अपना इंतकाम लूं और फिर जो भी हो, जेल जाऊं, मर जाऊं, कोई फिक्र नहीं। उसकी आवाज़ में कर्ब दर आया। मगर फिर तुमने मुझसे शादी करने की हामी भरी। तुम मुझे असीयत देना चाहती थी और मैं तुम्हें। तब लगता था हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं होगा, मगर तुमने मेरे मुर्दा दिल को ज़िंदा कर दिया। अब मैं खुश हूँ और खुश रहना चाहता हूँ, मगर उसने खुले नल तले डिश की तो पानी की धार ने सारे झाग को भी बहा दिया। मगर मुझे अपने मुकफाते अमल से भी डर लगता है, मेरा कारमा, मेरे अमाल के नताइज। फारिस, उसने तहैयर से उसे पुकारा, ऐसे मत को ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। वो उदासी से मुस्कुराया। मैंने भी गलत काम किए हैं, गलत लोगों से इंतकाम लेने के लिए उन लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं, किसी की ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जलाई तो किसी को एक्सपोज कर दिया, किसी को लापता करा दिया। उनकी भी तो औलादें थी और मैं अब भी वही कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं अपने हर काम को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मुझे भी अपने अमाल के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इतना मत सोचा करो, तुम कसूरवार नहीं हो, तुम बराबर का, बल्कि उनके अमाल से बहुत कम का बदला ले रहे थे। उसने नरमी से उसके कंधे को छुआ। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता, मैं दो कब्रें खोद के निकला था। बस मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम की कब्र में मेरी वजह से किसी और को जाना पड़े। उसने झरझरी ली। मैं ना अब तुम्हारी चीज़ों की तलाशी लूँगी, अगर मुझे ज़रा सी भी कोकेन या सिगरेट मिल गई तो अच्छा नहीं होगा, वो गुस्से से बोली थी। वो फिर हंस दिया। अब फजूल बातें मत करो और काम करो, धौंस से कहती वो उसके सामने मज़ीद बर्तन सिरकाने लगी। और फिर तुमने मुझे एनिवर्सरी पे डिनर भी कराना है? अब कोई डिनर नहीं होगा, आपने इन बर्तनों की खातिर मौका मिस कर दिया, सॉरी। वो वापस अपनी जोन में आके बोला था, डिनर तो तुम मुझे करवाओगे, वो भी एनिवर्सरी वाली रात, याद रखना। नल बंद करते हुए वो धमकाते हुए बोली थी। उसे पता था वो अभी यूं ही कह रहे, मगर बाद में ज़रूर डिनर पर लेके जाएगा। वो उस रात को यादगार बनाना चाहती थी, बहुत खूबसूरत और यादगार। जीते जी मारती है बेचैनी, वो सुकून हो अता के मर जाएं। कत्ल से एक दिन कबल, सूरज की तपती गर्म शुआएं उस बुलंद इमारत को दहका रही थी। हाशिम अपने ऑफिस में तैयार सा खड़ा था, मोबाइल पे बात कर रहा था। सामने रईस बैठा लैपटॉप पे लगा था। बात करके हाशिम उसकी तरफ आया। काम सही हो रहा है? जी सर, मैं उनके फोन्स बग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। फारिस की बहुत सी ऑडियो निकाल लिया और वॉइस मॉड्यूलेशन के ज़रिए मैं उसको। कोई काम की बात मालूम हुई या नहीं? उसने बेजारी से बात काटी। यस सर, वो दोनों फ़ोन पे, फारिस और जुमर, आज सुबह मुसलसल डिनर का जिक्र करते रहे थे। वो कई दिन से उसे कह रही है कि वो उसे एनिवर्सरी पे डिनर पे लेके जाए और वो बात टाल देता है। गुड, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाशिम ने उसका शाना थपका और बाहर के जाने बढ़ गया। राहदारी पार की और लिफ्ट में दाखिल हो गया। जिस वक्त वो लिफ्ट से नीचे लॉबी में उतरा, सामने से ऑफिस बिल्डिंग के इस्तकबाली के करीब सुमर यूसुफ आती दिखाई दी। वो मुस्कुरा के उसे देखते हुए रुक गया। मैं कोर्ट आ रहा था, क्या आप मुझे लेने आ गई? नहीं, मैं ये देखने आई हूँ कि कहीं आप मुल्क से फरार तो नहीं होगे, वो उसी तरह मुस्कुरा के बोली और लिफ्ट के अंदर चली गई। दरवाजे आपस में मिल गए तो हाशिम ने मोबाइल निकाल के नंबर मिलाया।
हलीमा, वो तुम्हें समन देने आ रही है, सादी की वकील। तुम वही करो जो मैंने कहा था। ओके गुड। जुमर बलाई मंजिल पे उतरी और आगे बढ़ती गई। घुंघरियाले बालों की पोनी बांधे स्याह कोट पहने वो कोर्ट के लिए मुकम्मल तैयार थी। बस हलीमा को समन की कापी देने आई थी और तवक्को के मुताबिक हलीमा अपने डेस्क पे नहीं थी। उसने सुमन एक कोली के हवाले किया, दस्तखत दिए, साथ में अपना कार्ड और एक नोट भी दिया और लिफ्ट की तरफ वापस आई। जैसे ही दरवाजे खुले और वो अंदर दाखिल हुए, कोई उजलत में चलता आया और दरवाजे के बंद होने से कबल अंदर आ घुसा। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें चंद फाइल्स, फोटो फ्रेम और एक नन्ना सा पौधा रखा था। कोनी से उसने ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया और दरवाजे आपस में मिलने लगे। तब सुमन ने देखा वो नौशेरवा था। वो भी उसी पल मुड़ा तो उसका चेहरा देखा। सुमन रुख मोड़ के खड़ी हो गई, संजीदा और सपाट। वो भी एकदम हिचकिचा सकिया, लिफ्ट नीचे उतरने लगी। आप मुझे हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने को कहती थी, वो उसे देखकर आज़र्दगी से बोला था। नौशेरवा, अपने वकील की गैर मौजूदगी में आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, वो बेजारी से चेहरा फेरे बोली थी। मुझे अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ आपने खड़ा किया था, मैं समझता था आप मुख्तलिफ हैं, शायद आपको मेरे ख्याल है, मगर आप भी उन सब की तरह ही निकली। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि सादी को 3 गोलियां आपने मारी थीं, वो उसको देख के तेज़ी से बोली। और अब मैं अपनी गलतियों को फिक्स कर रहा हूँ तो आप मुझे कोर्ट में प्रोसिक्यूट करके मुझसे मेरे तमाम चांसेस छीनना चाहती हैं। अमाल के नतज होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं। अगर मैं सोनिया को 3 गोलियां मारती तब आप मुझे कोर्ट में घसीटते या मुझे मौके फराम करते, कभी फुर्सत मिले तो सोचिएगा। वो एकदम चुप हो गया था। लिफ्ट नीचे उतर आई थी, दरवाजे खुल गए थे, जुमर बाहर जाने लगी। मगर मैं सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, वो कर्ब से बोला था। जुमर उसकी तरफ घूमी और सपाट नज़रों से उसे देखे गया। कैसे? इस्तीफ़ा देकर, अपनी कंपनी की सियाकारियाँ बताकर? वो आपके दूसरे गुनाह जिनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, शादी के लिए क्या किया आपने? कोर्ट में इतराफ़ी जुर्म कर सकते हैं? नहीं ना, सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांग सकते हैं, अपने भाई के ख़िलाफ़ गवाही दे सकते हैं? नहीं ना, फिर मैं कैसे मानूं कि आपको मौका मिलना चाहिए? सर झटक के वो आगे बढ़ गई। वो बॉक्स उठाए बाहर आया और अफसोस से उसे देखा। मैं समझता था आपको मेरी परवाह है, सिर्फ आपकी इज्जत करता था मैं आपके सारे ख़ानदान में, मगर आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, वो अनसुना करके आगे बढ़ गई। लॉबी में गुजरते चंद लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा था, मगर नौशेरवा को कोई फ़र्क नहीं थी। गर्दशे वक्त मुझे खाक डरा पाएगी, तजर्बे जितने बड़े उतना ही डर जाता था। दोपहर के बावजूद कमरे में नीम अंधेरा था। 3 अफराद वहाँ मौजूद थे, कोई बैठा था, कोई टहल रहा था, एक इर्द गिर्द चीज़ों की तलाशी ले रहा था। सामान बिखरा हुआ सा था, तकिए गद्दा खुले दराज, हर शय उलट पुलट कर दी गई थी। सामने एक बैग खुला पड़ा था जिसमें से जेवरात, अहमर के पासपोर्ट और नोटों की गड़ियाँ झाँक रही थी। और उसी कमरे के एक कोने में बेड की पैंती के साथ वो बंदा हुआ दोजानों पड़ा था। शदीद तशद्दुद के बायस उसकी शर्ट फटी हुई थी, सर से खून रस रस कर गर्दन और कान पे जम गया था। गर्दन नीचे ढुलका के वो नकाहत ज़्यादा सा बैठा था। दफ़तन उसने चेहरा उठाया तो इतना नज़र आता था कि चेहरे पे कोई ज़ख्म वगैरह नहीं था। फिर उसने फटी हुई आवाज़ में उनको मुखातिब किया। सब कुछ ले तो लिया है तुम लोगों ने, अब जान छोड़ दो मेरी। सामने खड़ा आदमी उसकी तरफ झुका और ज़ोर का चांपड़ उसके मुँह पर रसीद किया। मज़ीद माल चाहिए, बताओ कहाँ रखा है, वरना आज मैं तुम्हें दफन करके सोऊंगा। अहमर का चेहरा थप्पड़ के बायस दूसरी जानिब लुढ़क गया, मुंह से कराह निकली। फिर चेहरा उठा के सोफे पे बैठे आदमी की तरफ देखा जो मुसलसल फ़ोन पे किसी अजनबी इलाकाई जुबान में बात कर रहा था। मार तुम मुझे नहीं सकते, गहरी गहरी सांस लेते अपने बदवक्त अंदर के खौफ पे काबू पाते उसने कहना चाहा। क्योंकि तुम ये जेवर तकसीम नहीं करे, जब भी फैसले का वक्त आता है मुझे क्या खाने को देना है, मुझे किधर बांधना है, मुझसे क्या चाहिए। तुम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हो, तुम में कोई लीडर नहीं है, तुम में से कोई इंचार्ज नहीं है, इसलिए मेरी बात उससे करवाओ जो तुम्हारा इंचार्ज है। बदवक्त कह के वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा, अब की बार कोई उसे मारने को नहीं झुका। बस वो खामोश रहे, फिर मोबाइल वाला उठा और बाहर निकल गया। अहमर गर्दन झुका के फिर से गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेज़ पे जेवरात अभी तक खुले पड़े थे, नीम अंधेरे में भी वो जगह जगह चमक रहे थे। अजल खुद ज़िंदगी से कांपती है, अजल की ज़िंदगी पे दस्तरस क्या। कमरे अदालत की ऊंची खिड़कियां तेज़ धूप के लिए बाहें खोले खड़ी थीं।
सारा हॉल सुनहरा रोशन नजर आ रहा था। फारिस गासी हस्बे मामूल आखिरी नशीस पे बैठा था, टांग पे टांग जमाए वो आतन कान की लू मसलते हुए कनखियों से करीब बैठे चश्मे वाले आदमी को देख रहा था जो सिफारी सूट में मलबूस था और नस्वानी अंदाज में टांग पे टांग चढ़ा के बैठा था। फारिस ने सर झटक के तवज्जो सामने मबजूल करनी चाही जहां वो उधेड़ उमर एयरपोर्ट सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का ऑफिसर कटहरे में खड़ा था। जुमर उसके सामने चंद कदम नीचे खड़ी थी। फारिस की तरफ उसकी पूछ थी और वो हाथ में कागज़ पकड़े संजीदगी से सवाल पूछ रही थी, क्या ये सच है कि आप 22 मई की सुबह एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में मौजूद थे? जी हाँ, वो संजीदगी से कह रहा था। पहली रो में बैठा सादी आगे को झुका गौर से उसे देख रहा था। एक एक लफ्ज़ पे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। और क्या आपने नौशीरमा कारदार को 22 मई की सुबह स्क्रीन पे देखा था? यानी 22 मई को क्या वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे? एयरपोर्ट पे बहुत से लोग होते हैं, मुझे हर एक की शक्ल याद नहीं रहती। प्लीज़ अपने जवाबात को हाँ या ना तक महदूद रखें। क्या आपने नौशीरमा को देखा था या नहीं? जी नहीं, सादी ने थक कर सर सीट की पुश से लगा दिया। फिर ज़रा सा चेहरा मोड़ के देखा तो हाशिम मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। सादी के देखने पे उसने अपनी फाइल का एक सफ़ा यूं तिरछा किया कि सादी को उस पर बड़े बड़े लिखे अल्फाज साफ नज़र आए। मनी टॉक्स, सादी ने बेजारी से रुख फेर लिया। आपको ये शख्स नौशेरमा कारदार इस फोटेज में बिल्कुल याद नहीं? जुमर सपाट सा पूछ रही थी। इशारा सामने बैठे शेरू की तरफ था। जी नहीं, ऑपरेटर ने शाने झटके। और क्या आपने अपने दोस्त को कहा था कि कारदार्स के लड़के की फोटेज आपने गायब कर दी है? जी नहीं, मैं उन लोगों को जानता तक नहीं हूँ। मसूद आलम साहब, जुमर ने कागज़ सामने किया, ये तस्वीर मैंने आपके फेसबुक से ली है, इसमें क्या ये आप ही हैं? मसूद ने झुक के तस्वीर देखी। जी, और साथ में कौन है? ये हमजा अली अब्बासी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम ने बैठे बैठे पुकारा, फैन फोटोज़ का इस अहम गवाही के दरमियान जिक्र करना ओवरऑल्ड, मगर मिसेज उमर आप कनेक्शन जल्द वासे करें वरना अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। जज साहब ने उसे तंबीह की। उमर ने सर को खम दिया और चंद मजीद तस्वीरें सामने की। ये आपके साथ चंद दूसरी मशहूर शख्सियात की तस्वीर हैं, ये कमरू जुमान कायरा हैं, ये राहत फ़तेह अली ख़ान है और ये मिस बाहुल हक, मसूद आलम ने बताया। जुमर ने इस्पात में सर हिलाया। तो आप जब भी कंट्रोल रूम में बैठे स्क्रीन पे एयरपोर्ट पे किसी शनासा चेहरे को देखते हैं तो कोशिश करते हैं उनके साथ तस्वीर ले लें? जी, इसका मतलब है आप स्क्रीन को गौर से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई चेहरा अननोटिस ना रहे? जी हाँ, ये मेरा फ़र्ज है। मगर आपको नौशीरमा कारदार नहीं याद ना 22 मई को ना 21 मई को? जी नहीं, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज़ को आप पहचानते थे मगर नौशीरमा को नहीं। जी बिल्कुल, वो एतमाद से बोला। और आपने कभी इससे पहले नौशीरमा को नहीं देखा था? जी नहीं। और आप उनके नाम तक से वाकिफ नहीं थे? जी नहीं, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मसूद साहब, आज से 2.5 साल पहले क्या ये दुरुस्त नहीं है कि एक रात नौशीरमा कारदार की तस्वीर और पासपोर्ट की कॉपी हाशिम कारदार ने एयरपोर्ट के अमले को भेजी थी? उसके सवाल पे फारिस कदरे दिलचस्पी से आगे हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम तेज़ी से उठा मगर जज साहब ने उसे वापस बैठने का इशारा किया। बात जारी रखें, जुमर ने तशक्कर से सर को खम दिया और उसकी तरफ मतवज्जे हुई। ये उस ईमेल की कॉपी है जो तीन मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने हमें फराम की हैं। ये वो रात है जब मुबैना तौर पर नौशीरमा अगवा हुआ था कोरिया में और हाशिम ने यह तस्वीर और पासपोर्ट की कॉपी बहुत से ऑफिसर्स को भेजी थी ताकि जैसे ही ये शख्स वापस पाकिस्तान आए उसे फ़ौरन इतला की जाए। इस ईमेल के हेडर में बहुत से पते लिखे हैं, ये आपकी ईमेल का पता है ना? उसने कागज़ उसके सामने किया। जी, मगर और ये आपका जवाब है जो आपने रिप्लाई ऑल क्लिक करके दिया था जिसमें लिखा है ऑन इट सर, यूँ ये जवाब सबको चला गया था। मुझे याद नहीं, उसने पस्त आवाज़ में बोला। आपके ईमेल रिकॉर्ड को सब ज़रा ज़रा याद है, इसका मतलब है आपने वो ईमेल खोली थी और आपने नौशीरमा का नाम भी सुना था और शक्ल भी देखी थी। देखें, इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मुझे याद नहीं, वो संभल कर बोला। क्या आप इस शूटिंग क्लब के मेंबर हैं? उसने कार्ड की कापी उसके सामने रखी। जी, और आप तकरीबन हर हफ्ते वहाँ जाते हैं? जी हाँ, तकरीबन। तो क्या आपने
इसकी लॉबी में साल के बेहतरीन शॉटर्स की तस्वीर और नाम नहीं देखे। पिछले 2 साल से नौशीरमा करदात दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, उनकी तस्वीर वहाँ नुमाया लगी है जिसे आप हर हफ्ते देखते हैं। तो फिर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने नौशीरमा को स्क्रीन पे मिस कर दिया। ये बात तो समझ आती है, मगर आपका हलफ लेकर ये कहना कि आपने उसे कभी देखा नहीं है, ये नाकाबिले फहम है। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना, वो सख्ती से कहकर पलट आई। हाशिम ने झुक कर साथ बैठे नौजवान वकील से सरगोशी की, वीडियो बनाई? जी सर, अब हलीमा को भेज रहा हूँ, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसी वकील है और उसे कैसी तैयारी करनी है। हाशिम सर को खम देकर उठा। मसूद साहब, आप रोज़ कितने लोग सीसीटीवी फीड की स्क्रीन्स पे देखते हैं? सैकड़ों। और क्या सिर्फ एक स्क्रीन को देखना होता है आपने? नहीं सर, बहुत से मॉनिटर होते हैं, और एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट के लिए वजारत दाखिला से और उसके अलावा पुलिस और दीगर एजेंसीज की तरफ से रेड अलर्ट के तौर पे 1 माह में कितनी तस्वीर आपको भेजी जाती हैं, वो संजीदगी से पूछ रहा था। आराम से 200 से ऊपर। जब मैंने वो तस्वीर एयरपोर्ट भेजी सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई को आने में ताखीर हो गई थी, ना कि वो अगवा वगैरह हुआ था। तो उस वाक़े को आज कितना अर्सा गुजर चुका है? 2.5 साल। और सादी यूसुफ के अगवा के वक्त इस बात को करीबन 1.5 साल गुजर चुका था? ऐसा ही है। और उस 1.5 साल के दौरान आपने 2000 तस्वीर बतौर अलर्ट देखी होंगी, इससे भी ज़्यादा। ऑपरेटर एतमाद से मुस्कुराया था। तो क्या इसीलिए आपके लिए देखे हुए चेहरे को भी याद रखना मुश्किल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह से राय भी मांग रहे हैं करदार साहब और उनको लीड भी कर रहे हैं, वो बेजारी से बोली थी। सस्टेन। जज साहब की रोलिंग के बाद हाशिम सर झटक के अब सवालात का रुख मोड़ कर इस्मत बीबी की तरफ ले आया। ज़ाती अनात, प्रोफेशनल जेलसी वगैरह वगैरह। और मसूद साहब अब एतमाद से बता रहे थे कि यह खातून पहले कितने लोगों के साथ ये कर चुकी है। समात के बाद जुमर बाहर आई तो फारिस दरवाजे के साथ उसका मुंतजिर खड़ा था। चेहरे पे हैरानी और कदरे अचंबा सा था। वो फाइल सीने से लगाए आगे बढ़ने लगी तो वो जल्दी से उसके पीछे लपका। तुम्हें उसकी ईमेल्स का कैसे पता चला और तुमने एयरपोर्ट के इतने सारे लोगों से उनके एफिड्यूट और ईमेल्स कैसे ली? वो वाकई मुतहैर था। इसे ओपो रिसर्च कहते हैं और चूंकि मैं वकील हूँ तो मुझे वो करनी आती है। वो मुस्कुराहट दबाए चलते जा रही थी। मगर तुम्हें कैसे पता कि वो भी उसी क्लब का मेंबर है जहाँ नौशीरमा भी जाता है? क्योंकि मैं एक अच्छी वकील हूँ, तुम क्या मुझसे मुतासिर हो रहे हो? उसके साथ चलते फारिस के चेहरे के जाविये बिगड़े, लापरवाही से कंधे उचकाए। अभी वो वक्त नहीं आया, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। जुमर ने चेहरा मोड़कर मुस्कुरा के उसे देखा। मेरी ज़िंदगी में वो वक्त पता नहीं आएगा भी या नहीं, मुझे तो आसार नज़र नहीं आ रहे, वो भी मुस्कुराहट दबा के बोला था। मामू, सादी पीछे से पुकारता हुआ आ रहा था। फारिस ने पलट के उसे देखा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? ये अहमद शफी कहाँ है? फ़ोन ऑफ है उसका इतने दिन से। वो झुंझलाया हुआ भी था। फारिस की नज़रों के सामने वो बैग, जेवर, पासपोर्ट घूम के उसने गहरी सांस ली। वो कहीं शहर से बाहर गया हुआ है लंबे अरसे के लिए, उसको तंग मत करो। ऐसे कैसे चला गया, मेरे साथ इतने काम करने थे उसने। उसके पीछे मत पड़ो, उसको अपनी मर्जी से जाने दो, सुमन ने भी नरमी से कहा। सादी शशोपद में मुबतला खड़ा रह गया और वो दोनों आगे बढ़ गए। पता नहीं क्यों वो मुतमईन नहीं हो पा रहा था। अहमर कुछ भी कर सकता था, मगर जितना सोशल वो था वो अपना फ़ोन और व्हाट्सएप यूँ बंद नहीं कर देता था। अब वो क्या करे? ये मेरी उम्र का सहरा, मेरे दजलों का सराब, सरे मसरगा ना रहेगा तो किधर जाएगा। वो एक गर्म सूप थी, हबस आलूद घुटन ज़दा, फिज़ा में कोई अनदेखी सी नमी थी जैसे कोई खामोश आसेब ताक में बैठता है और दिलों की धड़कन सुनता रहता है। मोरचाल के पोच में अंदर से उड़ उड़ के आती नाश्ते की इश्तेहजा अंगेज खुशबुएं महसूस हो रही थी। जुमर अपनी कार का दरवाज़ा खोले खड़ी थी, कोट पहने, पर्स कंधे पे डाले, तैयार और मसरूफ सी, और बस आखिरी मिनट में गोया फारिस को हदायत दे रही थी। घर जल्दी आना, फिर तुमने मुझे डिनर पर लेकर जाना है, एनिवर्सरी कल है मादाम। और जहाँ तक डिनर का ताल्लुक है तो कल हसीना बनाएगी ना कद्दू गोश्त? वो सादा सी शर्ट पहने जेबों में हाथ डाले खड़ा हशाश पशाश सा मुस्कुराता कह रहा था। क्या हम आज रात 12 बजे नहीं सेलिब्रेट कर सकते? वो खफा हुई। किस चीज़ को सेलिब्रेट करना है? आपने मुझसे इंतकाम के लिए मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की नीयत से जो अक़द किया था उसको सेलिब्रेट करना है क्या? नहीं, तुम्हारी दौलत और इस शानदार जॉब को सेलिब्रेट करने के लिए जिस पे तुम रोज़ जाते हो और जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की थी। वो जलकर बोली थी। वो धीरे से हंस दिया, गर्म सूप भी खुशगवार लगने लगी थी।
मैं तुम्हें किसी डिनर पे नहीं ले जा रहा, तुमने मौका ज़ाया कर दिया मुझसे बर्तन धुलवा के। अभी वो और भी कुछ कहता जब गेट के बाहर टायर्स रगड़ कर रुकने की आवाज़ आई। वो दोनों चौंके, एक कार रुकी, दरवाजे खुले और फिर बैल बजी। फारिस आगे आया और दरवाज़ा खोला। शेरीन, वो उसे देखकर हैरान हुआ था। जुमर ने उसके कंधे के पीछे से झांका, बाहर शेरी खड़ी थी, बॉब कट सुनहरे बालों को खुला छोड़े, गले में ऊट पटांग मालाएं डाले, एक कान में बाली पहने, दूसरा कान खाली। वो हैजान का शिकार नजर आती थी। उसे देखकर बेचैनी से बोली थी, फारिस तुम मेरे लिए क्या करोगे अगर मैं तुम्हारे केस में तुम्हारी मदद करूँ? वालेकुम सलाम शेरी, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वो तहम्मुल मगर गौर से उसे देख के बोला था। मुझे किसी एक साइट पे होना है क्योंकि जल्द ही गवाही के लिए बुलाई जाऊंगी, इसलिए मुझे बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? शेरीन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। वो चंद लम्हे उसे देखते हुए सोचता रहा। ये मुनहसर है उस पे कि तुम्हारे पास क्या है? नौशेरमा का लाइसेंस, जो उसकी ग्लॉक गन का है। फारिस के अबरू बेयकीनी से उठे। उसने मुड़ के जुमर को देखा जो उसी तरह उसे देख रही थी। अंदर आ जाओ, तुम्हारा घर वाइड हो सकता है, मैं खतरा मोल नहीं ले सकती, तुम्हें बाहर आना होगा। ओके, उसने एक नज़र जुमर पे डाली, उस वक्त की आखिरी नज़र, और बाहर निकल गया। जुमर उसे जाते देखती रही। उसका दिमाग ग्लॉक गन में अटका हुआ था मगर दिल फारिस में। अभी वो उस पर खफा हो रही थी मगर एकदम वो घर से गया तो लगा जैसे सब कुछ खाली हो गया है। काश वो ना जाए, आज का दिन उसके साथ गुजारे, मगर वो सर झटकती वापस कार की तरफ आई। वो ज़रूरी काम से गया है, इतना खुद को किसी का आदि नहीं करना चाहिए। जुमर बीबी, खुद को दिल में पुकारा और खुद ही हंस दी। सुमर बीबी, वाओ, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, जो हम बताएं तो क्या तमाशा हो। सूरज सवानेजे पे था जब सादी उस फ्लैट बिल्डिंग के लिफ्ट में दाखिल हो रहा था। साथ में गर्दन इधर उधर घुमाकर अंदाज़ा भी कर रहा था कि दुरुस्त जगह पे है या नहीं। इमारत तो यही थी, फ्लैट नंबर भी उसे मधम मधम सा याद था। फ्लोर के बारे में वो कदरे मुतसबसब था। फिर अंदाजे से एक बटन पे उंगली रखी तो लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे। मतलूबा फ्लोर पे उतर के वो गैर शनासा नज़रों से इतराफ में देखता आगे आया। पौधा राहदारी फ्लैट का दरवाज़ा, गालबन यही था अहमर का फ्लैट, मगर मसला ये था कि यहाँ हर फ्लोर एक सा लगता था। एक से पौधे, एक से दरवाजे, खैर वो आगे आया और दरवाजे के साथ लगी बेल बजाई। फिर सर पे जमी पी कैब दुरुस्त करता ज़रा हट के खड़ा हो गया ताकि दरवाजे के सुराख से देखने वाला उसका चेहरा ना देख सके। शायद अहमर उसको अवॉइड कर रहा हो तो कम अज़ कम यूँ वो किसी और के धोखे में दरवाज़ा तो खोल देगा। अंदर फ्लैट नीम अंधेरे में डूबा था, सिर्फ कमरे की बत्ती जल रही थी जिसमें वो तीन आदमी उसके सर पर खड़े थे। वो हनूस बंधा हुआ नीचे बैठा था और सर निहाड़ रखा था। घंटी की आवाज़ पे सब चौंके, अहमर ने भी सर उठाया। वो पहले से ज़्यादा नकाहत ज़्यादा दिखता था। अरे इस वक्त कौन आ गया? हाँ बोल। उनके सरगना ने उसको बालों से पकड़ के झटका दिया। जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते, वो तलखी से बोला था तो उसने झटके से उसका सर छोड़ा, फिर बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वापस आया। कोई आदमी या शक्ल नहीं दिखाई दे रही, उस तरफ मुंह करके खड़ा है, सर पे कैप पहन रखी है। उसने मोबाइल पे मैजिक आई से तस्वीर बना ली थी और अब अहमर को दिखा के पूछ रहा था, कौन है ये? अहमर ने एक बेनियाज नज़र तस्वीर पे डाली। ये तो पिज़्ज़ा वाला है, उसके आउटलेट का बिल देना था मुझे 2000 रुपये। फिर से घंटी बजी, तेज़ चिंगाड़ती आवाज़। तीनों ने बारी बारी एक दूसरे को देखा। खुद ही थक के चला जाएगा, बजाने दो घंटियाँ, एक ने मशवरा दिया। वैसे भी कोई और तो उसके पास आता जाता नहीं है, सो किसी को नहीं शक होगा, और हमने उसको यहीं रखना है, यहाँ से ले जा भी नहीं सकते। उनकी मधम आवाज़ें अहमद शफी को सुनाई दे रही थी। मेरी कार पार्किंग में खड़ी है, इस पिज़्ज़ा बॉय ने वो देख ली होगी, उसे पता है कि मैं घर पे हूँ। उसने अपनी तरफ से पैसे देकर खाने में गलत एदाद और शुमार लिखे थे और अब वो पैसे लिए बगैर नहीं जाएगा। दरवाज़ा ना खोला तो पार्किंग में जाकर मेरी कार के शीशे तोड़ देगा, नतीजतन गार्ड्स ऊपर मुझे बुलाने आएंगे, फिर क्या करोगे तुम लोग? चुप करके बैठो, एक घराया था, मेरे हाथ खोलो और मुझे 2000 दे दो ताकि मैं उसे पकड़ा के चलता करूं। मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे मारना नहीं है और तुम्हारे मालिक से मिलने का मुझे खुद भी काफ़ी शौक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पकड़े जाओ। मेरे हाथ खोलो, मेरा मुंह धुलवाओ ताकि मैं उसको चलता करूं। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा, घंटी हनूस बज रही थी। चंद मिनट बाद धुले चेहरे वाला अहमर दरवाजे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में 1000-1000 के 2 नोट थे और उसके पुश्त एक आदमी ने पिस्तौल की नाल लगा रखी थी।
अंदर की सारी बत्तियां बुझा दी थी ताकि वो दरवाज़ा खोले तो बाहर वाला अंदर से ना झांक सके। पहले पूछो कि कौन है और कोई चलाकी मत करना, वो अभी तक मशकूक था। अहमद ने गहरी सांस ली और खिंकार की आवाज़ लगाई, ए पिज़्ज़ा बॉय हो ना? हाँ जी पिज़्ज़ा बॉय हूँ, अब दरवाज़ा खोलो, वो खुफकी से बोला था। अहमद ने फातियाना नज़रों से अखबाकार को देखा और फिर आगे बढ़ा, दरवाज़ा ज़रा सा खोला और सर बाहर निकाला, सामने सादी खड़ा था। मरे क्यों जा रहे हो? 2000 रुपये के लिए घंटी बजा बजा के दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। दो पीसे क्या मंगवा लिए? तुम लोग तो जान को आ जाते हो, ये पकड़ो, गुस्से से बोलते उसके हाथ में नोट थमाए सादी हक्का बक्का खड़ा रह गया। खबरदार जो अब घंटी की, दफा हो जाओ इधर से, और अगर अब दरवाज़ा बजाया तो कान खोल कर सुन लो, मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लूँगा। क्या क्या? वो संभल के कुछ बोल भी नहीं पाया था कि अमर ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। सादी ने बेख्तियार दरवाज़ा बजाया, अमर एक मिनट मेरी बात सुनो, दफ़ा हो जाओ खावर वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा, वो हलक फाड़ के चिल्लाया था। सादी का हाथ रुक गया, साकिर शल खावर, वो चंद लम्हे खड़ा हाथ में पकड़े नोट देखता रहा, फिर शल सा पलट गया। उनका सरगना मैजिक आई से बाहर झांक रहा था, वो चला गया तो उसे सुकून आया, वो वापस मुड़ा और अहमर के हाथ पीछे बांध के हथकड़ी लगाने लगा। अहमर ने कोई मजाहमत नहीं की, खामोशी से खुद को बंधवाता रहा। सादी उसी शल सी कैफियत में सीढ़ियां उतर रहा था, लिफ्ट के बजाय वो जेनों से जा रहा था, जाने क्यों बार बार उलझ कर अहमर के अल्फाज पे गौर करता, शायद अंदर कोई लड़की और वो उसे भगाना चाह रहा हो। मगर पिज़्ज़ा बॉय, जब पहली बार उधर आया था तो अहमर उसे पिज़्ज़ा बॉय समझा था, आज बरसों बाद उस तकब से पुकारा था, मगर खावर और ये नोट, उसने बस सीढ़ियों पर रोककर उन दो नोटों को देखा, वो लिपटे हुए थे, उसने उनको खोला। दोनों नोटों के दरमियान ताज़ा खून लगा था, बिल्कुल ताज़ा सुर्ख बूंदें। सादी यूसुफ सन्नाटे में रह गया। ऊपर अब वो अहमद शफी को अंधेरे लाउंज से गुजार के रोशनी वाले कमरे में ले जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर आया, रोशनी में उसके हाथ की पुश्त आया हुई जिस पे एक कट लगा था जो उसने अंधेर रातारी में दरवाजे के लॉक के साथ रगड़ के लगाया था, और यहाँ पहुँचते तक उसको मुसलसल दूसरे हाथ से दबा कर रखने के बायस उससे खून रसना रुक गया था। जायद खून वो कपड़ों से रगड़ कर साफ कर चुका था, और जिस लम्हे उन तीनों ने उसे वापस बेड के करीब बांधा, उसके हाथ पे उनको ऐसा कुछ नहीं दिखा जो उनको किसी शक में डालता। अब वो टोली की सूरत खड़े बातें कर रहे थे, अगला लाइहे अमल तय कर रहे थे, और अहमर खामोशी से बैठा वॉल क्लॉक को देख रहा था, खड़ी लम्हा ब लम्हा वक्त को गिन रही थी, टिक 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 टिक। क्या बहारों ने नए अहद की दस्तक दी है, शहर यारों की खजाओं का सहर जाता है। उस छोटे से ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद था, कंप्यूटर के सामने उधेड़ उम्र आदमी बैठा माउस चला रहा था और फारिस उसके कंधे पे झुका स्क्रीन को देख रहा था। शेरिन दूसरी तरफ खड़ी थी। मिला कुछ? वो बेचैनी से बोली तो फारिस ने संजीदगी से स्क्रीन को देखते हुए गर्दन दाएं बाएं हिलाई। नौशीरमा के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, हाशिम करदार के नाम से कुछ गन्स आ रही हैं मैडम, ऑफिसर ने इतला दी। नौशीरमा का रिकॉर्ड वो मिटा चुके होंगे जब हमें इतनी आसानी से मिनिस्ट्री के डेटाबेस तक एक्सेस मिल गई है, थैंक्स टू योर फादर शेरी, तो उनको भी मिल गई होगी, फारिस अफसोस से कहता सीधा हुआ। तुम्हारा शुक्रिया मगर वो रिकॉर्ड मिटा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हार्ड कॉपीज कहाँ होती हैं? शेरी ने अफसर को सोचते हुए मुखातिब किया। फारिस एकदम चौंका, हाँ वाकई हार्ड कॉपीज का रिकॉर्ड तो होगा ना, वो तो मैं, वो ज़रा हैजान से बोला, एक दूसरे बिल्डिंग में हैं और वहाँ आपको मैं यूँ नहीं लेकर जा सकता। शेरी ने तंधी से उसे घूरा और पर्स खोला, चंद गुलाबी कड़कदार नोट निकाले और उसके सामने मेज़ पे डाले। हमें वो फाइल चाहिए, इसलिए अब तुम हमें उस बिल्डिंग में लेकर जाओगे। वो तो ठीक है मैम, मगर उसने धीरे से नोट उठाए, शिपिंग के दौरान फाइल्स को डब्बों से निकाल लिया गया था, उनकी कोई तरतीब नहीं है, इतने बड़े तीन कमरे फाइल से भरे हुए हैं, देखने में पूरा दिन लग जाएगा। यानी अगर हाशिम ने वो फाइल निकालनी होती तो उसे भी कई बंदे लगा के कई घंटे काम करवाना पड़ता, शायद उसने सोचा हो कि इतना खवार कौन हो और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिटाने पर इक्तफा किया हो, वो सोचते हुए कह रहा था। शहरी की आंखों में चमक उभरी, यानी फाइल मिल जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, गुड, फारूक हमें उधर ले चलो। चलो ना, अब शक्ल क्या देख रहे हो? शेरी ने आंखें दिखाई तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ। सुनो, फिर वो उसके करीब आई, अगर लाइसेंस ढूंढ दिया मैंने तुम्हें तो तुम भी मेरा एक काम करोगे अच्छा? उसे याद दिलाया, फारिस ने बेनियाजी से शाने उचकाए।
पहले लाइसेंस मिल जाए फिर देखते हैं। हवा की ज़िद पे हमारा सफ़र है कितनी देर, चिराग हम किसी शाम सवाल ही के तो हैं। मोरचाल पे रात उतर आई थी हुनैन, ये तसल्ली करने के बाद अम्मी सो चुकी हैं और अब उसको डांट नहीं सकती। अपनी अलमारी से वो सारा सामान निकालने लगी जो स्टेंसिल पेंट करने के लिए उसे चाहिए था। सुबह या तो अम्मी लाउंज की दीवार पे खूबसूरत शाहकार देखेंगी या सिर्फ शाहकार, तब तक जो भी हो वो अपना काम अच्छा या बुरा कर चुकी होगी। बहुत जोश से चीज़ें इकट्ठे करते हुए उसने सोचा था। जुमर अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी, गाहे बगाहे फ़ोन उठा के देख लेती। पारिस सुबह का गया, अभी तक वापस नहीं आया था। वॉल क्लॉक पे सेकंड वाली सुई टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी। बाहर हुनैन अब स्टेंसिल के खाके को दीवार पे चिपका रही थी, उसकी खाली जगहों पे उसने रंग भरना था। फारिस एक नीम अंधेर ऑफिस में खड़ा था, बत्तियाँ बंद थी और वो अलमारी से फाइलों का थप्पा निकाल के ज़मीन पर रख रहा था। करीब में स्टूल पर बैठी शहरी फाइलों के ढेर में उलझी हुई थी। वो अफसर भी साथ बैठा एक एक सफ़ा खोल के देख रहा था। बत्तियाँ बंद थी और वो तीनों पेंसिल टॉर्चेस की मदद से काम कर रहे थे। फिजा में गर्द और घुटन थी, सुस्त रवि थी। वक्फे वक्फे से शहरी खांसती फिर नाक रगड़ती और काम करने लग जाती। अहमद शफीक के अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर कार में मौजूद साथी खामोश सा बैठा था, बिल्कुल चुप जैसे किसी का मुंतजिर हो। ऊपर फ्लैट में वही घुटन ज़दा माहौल छाया था। अखबारकारों का एक कारंदा दूसरे से बेचैनी के आलम में कह रहा था, इसे पिंडी वाले गोदाम ले चलते हैं, ये नाव कोई और आ जाए इसका पूछने। नहीं, इसको कहीं नहीं लेकर जाना, बाहर मूव करने में बहुत खतरा है, यही करना है जो करना है। नीचे बंदे अहमर की नज़रें हनूज घड़ी पे जमी थी, दिल भी उसी आवाज़ के साथ धड़क रहा था। हर गुजरते सेकेंड पे एक दफ़ा डूब कर उभरता, क्या कोई आएगा उसकी मदद के लिए, क्या सादी समझ पाएगा या वो बेनामो निशान यहीं मर जाएगा। मोरचाल के लाउंज में हना स्टूल पे खड़ी दीवार पे पेंट कर रही थी, जब आहट पे चौंकी। त्यार सी जुमर कमरे से निकल रही थी, हना ने हैरत से उसे देखा। आप इस वक्त किसकी शादी में जा रही हैं? अपनी शादी की एनिवर्सरी में जा रही हूँ। कल 20 मई है, एक साल हो गया। कल नहीं, अभी 12 बजे से 20 मई है। और फारिस साहब को इतने दिन से डिनर करने के बाद बिलाखिर आज वक्त मिल ही गया मुझे डिनर पर बुलाने का। हन्ना की आंखें चमकी, कहाँ बुलाया है? हम दोनों के लिए एक यादगार जगह है वो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, मुझे देर हो रही है। वैसे उनको चाहिए था आपकी मर्ज़ी की जगह पर लेके जाते, आपको टेबल रिजर्व करके बता रहे हैं। वो तो गवाह को मिलवाने का बहाना करके बुला रहे हैं, मगर अकेले आने का कहना, और वो भी 20 मई की रात, जाहिर है वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो मुस्कुरा कर उसको अलविदा कहती बाहर की तरफ बढ़की। यूं ही हुनैन के दिल ने तमन्ना की कि वो आज फिर चाबियां भूल जाए और वापस आए, मगर वो उजलत में थी। खैर, हन्ना ने सर झटक कर काम करने लगी। हन्ना मुस्कुरा के वापस पेंट करने लगी। अंधेर ऑफिस में वो तीनों ज़मीन पे बैठे फाइल पे फाइल चेक किए जा रहे थे, जब फारिस ने जेब से मोबाइल निकाला। नो सिग्नल, शायद यहाँ जैमर लगे थे। वो मोबाइल वापस डाल के काम करने लगा। चंद लम्हे गुजरे थे जब शहरी का मोबाइल बजा। सर झुकाए काम करते फारिस के हाथ बिल्कुल थम गए। हाँ ठीक है, तुम इसको दवा दे दो। और सोनी को बुखार था और वो फ़ोन पे मुलाजमा को हदायत दे रही थी। फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाए वो साथ ही फाइल के सफ़े भी उलट रही थी। फारिस दुम सादे बैठा रहा। शहरी ने फ़ोन बंद किया तो फारिस ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के फिर देखा। नो सिग्नल। अब की बार उसने नज़रें उठाईं तो वो मुख्तलिफ नज़रें थीं। गौर से चुपते हुए अंदाज में शहरी को देखा। तुम बहुत सुस्त रवि से काम करी हो, जल्दी हाथ चलाओ, बज़ाहिर मसरूफ से अंदाज में बोला था शहरी। कर तो रही हूँ, डस्ट बहुत है, कहकर नज़ाकत से खांसी और फिर अगली फाइल उठा ली। वो फाइल्स उठाए खड़ा हुआ और दरवाजे के साथ नसब अलमारी के सामने जा रुका। फाइल्स अंदर रखी और यूं ही अलमारी में सर घुसाए चीज़ें उलट पुलट करने लगा। कन अखियों से वो दोनों को देख भी रहा था। शहरी की उस तरफ पुश्ती अलबत्ता ऑफिसर कभी इधर जाता कभी उधर, साथ ही बार बार कलाई की घड़ी में पे भी टॉर्च मारता। शहरी के हाथ भी सुस्त रवि से चल रहे थे, दोनों किसी का इंतज़ार कर रहे थे मगर किसका। वो चंद सानी अलमारी में सर दिए खड़ा रहा। जैसे ही उसने देखा कि ऑफिसर की उस तरफ पुश्त हुई है, वो सरद से पीछे हटा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। बिना चाप पैदा किए वो राहदारी अबूर करके जीनों की तरफ लपका, जूते उतार के हाथ में पकड़ लिए और तेज़ तेज सीढ़ियाँ उतरने लगा। दिल धक धक कर रहा था, माथे पे पसीना था। अंधेर कमरे में शहरी उसी तरह बैठी टॉर्च की रोशनी फाइल्स पे डाल रही थी। दफतन वो सीधी हुई और गर्दन थकावट के अंदाज में दाएं बाएं मोड़ी तो चौंकी, तीसरी टॉर्च की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। उसने जल्दी से टॉर्च अलमारी पे डाली।
वहाँ कोई नहीं था। वो हवास बाग़ता से उठी और बाहर दौड़ी। राहदारी, दूसरे ऑफिसेस के मकफिल दरवाजे, जीने सब सुनसान पड़े थे। उसने बेख्तियार माथा छुआ, ओ नो, फिर पीछे घूमी और चिल्लाई, वो भाग गया है, जाओ उसे ढूंढो। ऑफिसर हड़बड़ा के उठा और बाहर को लपका। वो अब परेशानी से फ़ोन कान से लगाए हुए थी। हाशिम, पुलिस मत भेजो, वो जा चुका है, मेरा क्या कसूर, मुझे वाकई नहीं इल्म हो सका, वो झुंझला के कह रही थी। शमे बागी हैं, खाक कर देंगी, आंधियों से कौ सुधर जाएं। अहमद शफी के फ्लैट की बिल्डिंग उसी तरह सर उठाए खड़ी थी। उसके ऊपर आसमान पे चमकता हुआ थाल जैसा चांद नजर आ रहा था। जेरे ज़मीन पार्किंग में कार खड़ी करके सादी बाहर निकला, सर पे कैप थी, आंखों पे ग्लासेस थे और दोनों हाथों में ग्रोसरी के शॉपर पकड़ रखे थे। मसरूफ से अंदाज में जैसे कोई थका हारा मुकीन घर को लौटता है। वो सीधा लिफ्ट तक आया और गार्ड्स को नज़रअंदाज करके अंदर सवार हो गया और मतूबा बटन दबाए। लिफ्ट मंजिल बा मंजिल फिजा में ऊपर सफ़र करने लगी। अहमर का फ्लोर आया तो वो बाहर निकला। सामने मुखालिफ सिमत ने कई दरवाजे बंद पड़े थे। सादी जल्दी से नीचे ज़मीन पे बैठा और दोनों लफाफों से पैकेट निकाले, फिर उनको खोल के ज़मीन पे उलटने लगा। उनमें सुरफई सफ़ेद सा सफूफ था जिसकी अजीब सी बदबू थी। सफूफ का ढेर लगा के उसने एहतियात से इधर उधर देखा, कहीं कोई आ तो नहीं रहा, मगर राहदारी सुनसान पड़ी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने दूसरे लफाफे से एक बोतल निकाली, ढक्कन खोला, दूसरा हाथ नाक पे जमाया और माया सफूफ पे उलट कर एकदम पीछे हटा। सड़सड़ की आवाज़ आई और ना कोई आग लगी ना शोले बुलंद हुए, मगर सफूफ जलने लगा और स्याह धुआं फिजा में बुलंद होने लगा। शॉपर्स वगैरह को डस्टबिन में फेंकता वो तेज़ी से दीवार पे लगे फायर अलार्म तक आया और उसे खींच दिया। फिर भाग भाग के चारों दरवाज़ों को खटखटाने लगा, मगर फायर अलार्म की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि दस्तक की ज़रूरत ही नहीं थी। पूरी बिल्डिंग एकदम जाग उठी थी, सारी राहदारी धुएं से भर की थी। गोया निचले फ्लोर पे आग लगी और धुआं उठ के यहाँ तक आ रहा हो। और सादी यूसुफ नाक पे हाथ रखे एक एक दरवाज़ा बजा रहा था, बाहर निकलो, आग लगी है, जल्दी निकलो। अहमद का दरवाज़ा बजा के वो धड़कते दिल से चिल्लाया था, ये जो ठहराओ बज़ाहिर अज़ियत मेरी, जो तलातम मेरे अंदर हैं, सकून है मेरा। वो खूबसूरत होटल आज भी रोशनियों से मुनव्वर और आलीशान दिखता था, जैसा कि माहे कामिल की उस हसीन रात में उसे लगा था। रात के 11 बजने के बावजूद लॉबी में खासी गहमा गहमी थी। जुमर लबों पे मुस्कुराहट सजाए स्याह झिलमिलाते लिबास में तैयार सी इधर उधर चेहरा घुमाती आगे बढ़ रही थी। नजरें पारिस को तलाश रही थीं, सारा दिन उसको देखा नहीं था, वो वाकई उसे मिस करने लगी थी। फारिस गाजी के नाम से टेबल रिजर्वड है, उसने इस्तकबालिया पे खड़े बावर्दी अफसर से पूछा। जी इधर आ जाइए, वो उसे मोदब से अंदाज में आके ले गया। वो मुस्कुराहट दबाए आगे चलती गई। हाशिम कारदार के ऑफिस में सिर्फ एक बत्ती रोशन थी या फिर कोने में रखे एक्वेरियम की बत्तियां चल रही थीं। अजीब नीम अंधेर पुरेसरार सा माहौल बना हुआ था। वो शर्ट के कप मोड़े खड़ा रईस के कंधे के ऊपर से झुककर स्क्रीन को देख रहा था। चेहरा सपाट था मगर आंखों में चमक थी। वो होटल में आ गई है सर। गुड, तुम्हें कैसे पता चला? वो उस होटल का सुनकर मान जाएगी, क्योंकि वो चंद दिन पहले गाजी से फ़ोन पे कह रही थी कि उसे इस होटल में डिनर करना है, शायद वो उससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं। वेरी गुड, अब इसको कॉल मिलाओ और हाँ, फारिस के सिग्नल्स खोल दो, अब तक वो घर पहुँच गया होगा, उसको परेशान होने दो, खेल शुरू हो चुका है, वो दिलचस्पी से कह रहा था, मज़ा तो अब आने लगा था। रॉजर बॉस, रईस ने सर को हम देते चंद क्लिक्स किए और फिर स्पीकर पे घंटी जाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आबदार उबैद अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पे काम कर रही थी, जब दरवाज़ा ज़ोर से बजा उसके अबरू भेंचे गर्दन मोड़ के देखा। अंदर आ जाओ, तहकम मगर नागवारी से पुकारा, दरवाज़ा खुला और सामने मुलाजमा नजर आई। हाशिम कारदार साहब ने आपके लिए कार भेजी है, आपको ऑफिस बुलवाया है। वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई, ज़रा हैरान ज़रा परेशान। बाबा कहाँ हैं? वो घर नहीं आए। मेरी कार निकलवाओ, ड्राइवर और दो गार्ड्स को बोलो तैयार है, मैं आ रही हूँ। मुलाजमा के जाते ही उसने तेज़ी से मोबाइल उठाया, ऊपर हाशिम का पैगाम जगमगा रहा था। इट्स अबाउट फारिस गाजी, चार अल्फाज में सारी बात ही ख़त्म कर दी थी उसने। वो चंद लम्हे मुतसबसब सी खड़ी रही, फिर पलट के खुद को आईने में देखा। सफ़ेद लंबी कमीज के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने वो सुर्ख बालों को कैचर में ऊँचा बांधे हुए आम से होलिये में नजर आती थी। दिल इतना परेशान हो गया था कि लिबास बदलने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से सुर्ख रुमाल उठाया, माथे के ऊपर बांधा, बालों को फिर से कैचर में कसा और बाहर को लपकी।
होटल का रेस्तरां एरियाज सर्द रोशनियों से जगमगा रहा था। पसे मंजर में बजती मध्यम सुरों की मौसीकी जा बजा सजे खुशबू और फूल और उसकी मेज़ के वस्त में रखी मोमबत्ती सब मिलकर खूबसूरत पुरफसों माहौल बनाए हुए थे। वो कोनिया मेज़ पे रखे हथेलियों पे थोड़ी गिराए मंजर से इधर उधर देख रही थी। इंतज़ार की खुशी अब बेचैनी और फिक्र में बदलती जा रही थी। एमर के अपार्टमेंट का दरवाज़ा धड़ाधड़ खटखटाया जाता रहा था। दरवाजे के दर से धुआं अंदर भी दाखिल हो रहा था। बाहर लोगों की चीखों पुकार अलग थी। कमरे में नीचे बंदे एमर ने चौंक कर वो फायर अलार्म सुना था। फिर उसने तीनों की तरफ सर घुमाया। वो एकदम परेशान हो गए थे। बिल्डिंग में आग लगी है, हो सकता है ये फॉल्स अलार्म हो, सरगुना मशकूक था। क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से हम सब वरना जल कर मर जाएंगे, अहमद शफी चिल्लाया था। सरगना अभी तक मुतसबसब दिखाई देता था, मगर दूसरे दोनों अगवाकार जल्दी जल्दी सारी नकदी चेकबुक्स कार्ड्स वगैरह जेवरात वाले बैग में भरने लगे। बाहर का शोर गुल पहले से मजीद बढ़ गया था। सरगना चंद लम्हे खड़ा देखता रहा, फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। लाउंज अबूर किया और बैरूनी दरवाज़ा खोला, फिर एकदम पीछे को हटा। बाहर धुआं ही धुआं था, स्याह घना धुआं। वो खांसते हुए ज़रा सा आगे बढ़ा। क्या हुआ है, किधर आग लगी है, उसने इधर उधर भागते लोगों से पूछा। चीखों पुकार और अफरा तफरी में एक जुमला कान में पड़ा था, आग नहीं है, किसी ने कूड़ा जलाया है, शायद धुआं है उसका। दो लोग पार्टी भर भर के उस सड़ते सफूफ पे डाल रहे थे जिससे धुएं का रंग मजीद गहरा होता जा रहा था। ओह, सरगना फौरन अंदर को लपका और दरवाज़ा बंद किया। अपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी धुआं भर चुका था। वो खांसता हुआ आगे आया और अहमद के कमरे का दरवाज़ा खोला। एमर बंदा पड़ा था और वो दोनों जल्दी जल्दी चीज़ें समेटने में लगे थे। कोई आग वाग नहीं लगी, ज़रा सा धुआं है बस, वापस रखो सब कुछ, हम कहीं नहीं जा रहे, वो डपट के बोला तो एमर की रंगत फीकी पड़ने लगी। उसने बेचैनी से घड़ी को देखा, वक्त गुजरता जा रहा था। सरगना कुर्सी खींच के फिर से उसके सामने आ बैठा। चलो फिर से तफ्तीश शुरू करते हैं। हाँ तो मज़ीद कितना पैसा है तुम्हारे पास?